से राज्य शिक्षा परियोजना के 150 कर्मचारियों का तबादला हुआ है। सभी कर्मचारी संविदा पर काम कर रहे थे, तबादले में सर्विस रूल का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया गया है। संविदा कर्मी के तबादले का कोई नियम नहीं है, बावजूद उनका तबादला हुआ है। तबादले से नाराज परियोजना कर्मी प्रोजेक्ट भवन पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर अपनी पीड़ा वो रखने वाले हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को नहीं दी गई थी तबादले की जानकारी। ये भी जानकारी आ रही है कि शिक्षा मंत्री को भी जानकारी नहीं थी कि इन संविदा कर्मियों का तबादला हो रहा है। ऐसे में इनका तबादला किए जाने के फैसले के बाद से अब ये संविदा कर्मी मुख्यमंत्री से मुलाकात करके अपनी नाराजगी जताने वाले और मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाएंगे ये लोग। इसी कड़ी में प्रोजेक्ट भवन उनके जाने की खबर है। तो संविदा कर्मियों का नियमतः जो है वो तबादला नहीं हो सकता है, वो संविदा पर होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं, ऐसे में उनके तबादला उनका नहीं हो सकता है। बावजूद उनका तबादला किया गया, 150 संविदा कर्मी है, राज्य शिक्षा परियोजना से ये जुड़े हुए हैं, विभिन्न विभागों में ये डिप्यूट किए गए हैं, विभिन्न प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं ये लोग, और इनका तबादला हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। सभी कर्मचारी संविदा पर थे और संविदा कर्मियों का कभी भी तबादला नहीं हो सकता है, ये सर्विस रूल का उल्लंघन है पूरी तरीके से, ये साफ संविदा कर्मियों का कहना है। बावजूद और इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय लाल, देखिए बड़ी खबर अपने आप में, संविदा कर्मी है बावजूद तबादला उनका होता है, तो ये अपने आप में चौंकाने वाली खबर है। झारखंड शिक्षा परियोजना महज वहां के दो अधिकारियों को छोड़ दें तो तमाम लोग वहां संविदा पर काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से, बिल्कुल जो सर्विस रूल है वो इसकी इजाजत नहीं देता कि आप संविदा पर काम कर रहे कर्मचारी जिनकी सैलरी 11,000, जिनकी सैलरी 11,500, जिनकी सैलरी 12,000, वो सर्विस रूल ये कहता है शिक्षा परियोजना का कि आप संविदा कर्मी का तबादला नहीं कर सकते। लेकिन कल देर शाम अचानक 150 परियोजना कर्मियों का तबादला कर दिया गया, और अव्वल तो यह कि राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को भी इसकी जानकारी नहीं है। लिहाजा कर्मचारियों में आक्रोश है, कर्मचारियों में गुस्सा है। ये तमाम कर्मचारी अब से थोड़ी देर पहले प्रोजेक्ट भवन राज सचिवालय गए हैं ताकि सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक अपनी बात पहुंचा सके, क्योंकि हाल के महीनों में, हाल के वर्षों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिससे युवाओं का विश्वास बढ़ा है, विश्वास जगा है। लिहाजा तमाम कर्मचारी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री से मिलकर इस तबादले को रद्द करने की मनुहार कर रहे हैं। देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन कर्मचारियों में गुस्सा है, सर्विस रूल का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया गया। पंकज, चलिए बहुत ही शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़े। आप उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री ऐसे मामलों को लेकर बहुत ही संवेदनशील रहे हैं, उम्मीद की जा सकती है कि इन्हें वहां न्याय मिले, लेकिन ये साफ तौर पर विभाग में अधिकारी किस तरीके से काम करते हैं उसकी बड़ी वानगी है कि सर्विस रूल में जो नियम नहीं है उसके बावजूद उस नियम को बना लेते हैं वो खुद से ही, और खुद से तबादला भी कर देते हैं संविदा कर्मियों का। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।